अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? मैं जाने लगी थी बाहर, क्योंकि मैं हुसाम के लिए थोड़ी सी करनी थी शॉपिंग। तो ये देखें, मैंने कहा चलें आपको दिखाऊं, ये गंद नहीं पड़ा। आजकल गाड़ी आएगी, उसको साफ़ कर लेगी, क्योंकि विंटर आ गया और विंटर में सारे दरख्त गंजे हो गए हैं और इनकी हो गई है टिंड। जब इन दरख्तों की टिंड हो जाती है ना, तो फिर एक गाड़ी आती है, वो सारा पत्ता वगैरह ले जाती है और फिर इसको खूबसूरत कर देती है। और फिर इतनी साफ़ होंगी ना ये सारा रोड वगैरह, क्योंकि पत्ते शत्ते तो गिर जाएंगे। तो मैं स्टोर के अंदर दाखिल हुई तो इन्होंने 25 दिसंबर की डेकोरेशन की हुई थी और मुझे अच्छी लगी। मैंने कहा चलें स्टोर के अंदर जाने से पहले आप लोग इनसे मिलिए। दिसंबर की सेटिंग देखें, देखें ये अपना त्यौहार कितना खूबसूरत मनाते हैं और कितना खूबसूरत चीज़ें ये लगाते हैं, ख़र्चा भी करते हैं। और मैं जाने लगी थी उस शाम के लिए, ठंड आज बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कहा उसके लिए दस्ताने वगैरह, सोकन और टोपी वगैरह ले आऊँ। तो हम जा रहे हैं फैमिली, क्योंकि आप हैं हमारी फैमिली, तो फैमिली स्टोर मुतारफ़ करवाऊँगी। यकीन करें, फैमिली स्टोर की शॉपिंग आप ज़रूर करें अगर आप यहाँ रहते हैं। तो अगर आपको नहीं पता, आप नए हैं, तो आप यहाँ की शॉपिंग करें, कपड़ा ख़राब नहीं होता, कलेक्शन बहुत अच्छी है। और ये फैमिली एक वाइज स्टोर है जिसमें बच्चों के कलरफुल कपड़े आते हैं। मैंने खुद बच्चों को पहनाए थे और मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे, थोड़े से सस्ते भी होते हैं। ये देखें 30-30 एयरो की, 25-25 एयरो की ये चीज़ें हैं। ये देखें रोमपर है, ये सारे सर्दी में बच्चों को पहनाया जाता है। और ठंड भी तो इधर बहुत है, आज भी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, तो लोग दौड़ के स्टोर के अंदर गर्म होने के लिए आ जाते हैं। तो इसी तरह मैं भी आ गई थी, मैंने कहा चलें शाम को, मैंने छोड़ा स्कूल, तो पहले शॉपिंग करूँगी, फिर जाके नाश्ता घर जाके करेंगे। तो मैंने कहा विंटर कलेक्शन भी देखें, अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर इधर आके शॉपिंग करें। ये देखें बड़ों के भी देखें, बच्चों के भी हैं, लेकिन हम ज़्यादा बच्चों की शॉपिंग की तरफ जाएंगे, तो वो ही आपको मैं दिखाऊंगी। स्टोर तो भरा हुआ है हर चीज़ से। डेकोरेशन भी देखें कितनी प्यारी है। ये यहाँ आप सबसे, इससे भी एक सस्ता स्टोर है, उस पर भी लेके चलूँगी इंशाल्लाह आपको। लेकिन फैमिली की ज़रा चीज़ें अच्छी थी, तो मैंने कहा इसको ज़रूर आप लोग अगर आना चाहें तो यहाँ ज़रूर शॉपिंग करें, मुनासिब दाम है, कलेक्शन बहुत ही अच्छी है। अभी मेरी एक फ्रेंड भी आने लगी है, मैंने कॉल किया उसे भी, तो हम फिर इसके बाद शॉपिंग के बाद जाके थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद मैं घर जाऊंगी। तो फिर पता है ना आपको, घर जाएं, ओहो घर के तो काम जो है ना, वो कह रहे होते हैं आए हजूर, घर आए आते साल काम करें। घर को देखते ही ना काम दिमाग में घूमने लगते हैं। आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं, आप ये इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको हेल्पर भी मिल जाते हैं। और हम जहाँ रहते हैं तो आप कहते होंगे जी इनके पास तो हेल्पर है, भाई कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हर काम तो खुद ही करना। ये देखें जी, मैं बातों बातों में कलेक्शन दिखा रही थी, कितनी खूबसूरत कलर है, आप मैचिंग कर लें। मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो मुझे याद आ जाती है फिर बच्चों की। तो मेरी फ्रेंड जो अभी आ गई है, वो मुझे कहती है पहले मुझे बताओ बच्चों, छोटे बच्चों के एरिया में क्यों आती हो? मैं कहती हूँ बस बच्चे चाहे बड़े हो गए हैं, लेकिन मुझे शॉपिंग बहुत ही अच्छी लगती है छोटे बच्चों की। तो अगर मैं पाकिस्तान का मेरा चक्कर लग गया इस दफ़ा दिसंबर में, तो आप लोग भी दुआ करें कि कोई टिकट शिकट सस्ती हो तो हम भी अपने मुल्क में जाएँ। रेट बहुत ज़्यादा सामानों पर चढ़ गए हैं टिकट के भी। यहाँ तो देखो इन्होंने इन कपड़ों के रेट नहीं चढ़ाए जितने के हमारे पाकिस्तान में चढ़ गए हैं। देखिए बत्तियाँ छत्तियाँ वाले बूट भी देख लो। तो फिर मैं उन अपने भाई के किसी के बच्चों के लेके जाऊंगी, छोटे बच्चे हैं उनके, मेरे तो माशाल्लाह। ये देखें कलर, ओह माय गॉड, मैं अब इनको बड़े बच्चों में ढूंढती हूँ जैसे वो शाम के, तो मुझे नहीं मिलते। मैं शाम की शॉपिंग इतने स्टोर घूम के करती हूँ ना, किस लिए कि उसको मुख्तलिफ कलर मिलें। और सबसे ज़्यादा अब मैं शॉपिंग उसी की करती हूँ, दो बड़े बच्चे तो अपनी मर्ज़ी के बाई करते हैं, छोटे बच्चे एक ही बच्चे की मैं करती हूँ, और उसका मेरा दिल करता है मैं ढूंढ ढूंढ के ना कोई जो भी अच्छा डिज़ाइन मिले मैं लेके आऊँ।
तो ये वाले ना बड़ों में नहीं मिलते जितने ये छोटे बच्चों के प्यारे हैं। ये देख कितने मुन्ने मुन्ने कपड़े हैं, बच्चियों के भी आ गए हैं। और जब मेरी मैं पहले भी जब आती थी तो मैं बच्चियों के देखती थी तो सब कहते थे कि आप क्यों देखती, तो मैं कहती थी मुझे प्यारे लगते हैं पर मेरी बेटी नहीं है, लेकिन कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बच्चियों के, मैं देखती ज़रूर हूँ चाहे लेने हैं या नहीं लेने, क्योंकि मुझे तो उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो आप लोग ज़रूर आएँ। इन्होंने कौन सा मुझे बोला है कि मेरी हमारी मशहूरी वगैरह करो तो मैंने तो अपनी जो पाकिस्तानी बहनें हैं न्यू आई हुई हैं जो यहाँ, उनके लिए ही बोला है कि वो ज़रूर आएँ। और अपने बच्चों की ये देखें, सॉक्स वगैरह पड़ी हुई हैं, टोपियाँ वगैरह हैं, दस्ताने हैं, हर चीज़ है। और यहाँ कीमत भी इसकी कम ही है। चलें जी, मैं आपको दिखाते दिखाते अपनी बेटी की चीज़ तो भूल ही गई, मैं लेने के आई थी, अच्छा बीच में मैं भूल गई, तो आपको दिखाते दिखाते मैं भूल के बाहर निकलने लगी, तो फिर मुझे याद आया मैं लेने के आई थी। आजकल इस तरह के दिमाग हो गए, ठंड है ना, ठंड में सबके दिमाग ख़राब किए हुए हैं। किस किस के इलाके में अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो कैसा कैसा मौसम है, ठंड है, गर्मी है, क्या क्या वेदर है सबका। यहाँ तो भाई बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो जब तक हम थोड़ी सी यहाँ थोड़ी सी हम हीट वगैरह जिस समय सही होगी तब भी हम निकलेंगे। देखिए कितने प्यारे शूज़ हैं, आप लोग शूज़ देखें और देखें 16 यूरो के कपड़े, देखें मेरी भतीजियों वगैरह के ये साइज़ है ना, तो वो ज़रूर देखेंगी। और ये देखना, उसने तो कह देना है, वो हमारी एक भतीजी है ना नाया, ये सेम उसी के, उसको ये पूरे है ना कपड़े। अब उसने देखना तो उसने कहना है फूफो मुझे ये वाला बहुत ही अच्छा लगा जो आप दिखा रही थी, तो पहले भी उसने 10 फरमाइशें की हुई हैं मेरे से, तो अब ये वाले कपड़ों की फरमाइश करेगी, उसे भी ज़रूर पसंद आएंगे क्योंकि मुन्ने मुन्ने कपड़े हैं और बड़े प्यारे हैं। चलें जी, मैं अपनी फैमिली की बातें लेके बैठ गई, तो आप लोग मेरी वीडियो एंड तक देखें, अगर अच्छी लगे तो एंड तक देख लें, अगर अच्छी ना भी लगे तब भी एंड तक देख लें। चलें जी, मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। और आपको फिर दिखाऊंगी एक सस्ता सा स्टोर, और उसके अंदर भी चीज़ें अच्छी हैं, तो हम नेक्स्ट टाइम उस स्टोर पे मिलेंगे आपको। इस वक्त हम आपको कहते हैं बाय, आप देखें अगर कोई चीज़ पसंद आए तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, अगर तो आप मेरी रेंज में होंगे तो मैं आपको जरूर दे दूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।